हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट फटाफट में। और हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्रिकेट फटाफट का 13वां एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले में होने वाले बदलावों के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जहां तक बात करें इन दोनों टीमों के बारे में दोस्तों, तो इस सीजन में ये दोनों टीमें काफी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जहां पिछला मुकाबला जीत कर आई है, वहीं बेंगलुरु की टीम पिछला मुकाबला हारती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पल्ला भारी रहेगा, लेकिन बेंगलुरु की टीम वापस अपने फॉर्म में दिख सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में बेंगलुरु टीम के कप्तान फैफ डुप्लेसी इस टीम में बड़े बदलाव करते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बेंगलुरु की टीम के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज इस सीजन में काफी खराब फॉर्म में दिखे हैं, इसलिए कप्तान फैफ डुप्लेसी यहां बड़ा बदलाव करते हुए दिखने वाले हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि अनुज रावत को टॉप ऑर्डर में मौका मिला था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए थे, इसलिए अब उसकी जगह पे सुरेश प्रभुदेसाई को मौका मिल सकता है। वही नंबर 3 पर महिपाल लोमरोर, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी, तो नंबर 3 पर वो खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए नंबर 5 पर अब आपको केदार जाधव बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक फिनिशर का रोल अदा करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में आरसीबी की टीम भी कोई भी बदलाव करते हुए नहीं दिख सकते। ये बात तो हो गई बेंगलुरु की टीम की। अगर वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन इस टीम में कोई भी बदलाव करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरह से गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दिखाया है वो काबिले तारीफ रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में बिना बदलाव करते हुए नजर आएंगे। वहीं आरसीबी की ओर से बड़े